देखिए क्वाड्रेटिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट यू द डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इफ यू आर एबल टू ड्राइव दिस फॉर्मूला, इसी में एक सवाल और निकल करके आता है अंदर कि प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर. तो कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर से पहले मैं आपका जस्ट आई एम टेलिंग टू यू हाउ यू कैन प्रूव. एक्चुअल में क्या है देखिए आपका नाम, सबसे पहले तो आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर इज 2 कायदे से, एंड फॉर्मेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी. द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोथ आर सेम, बट व्हेन वी आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स दिक्कत आ रही है आपका, यू कैन सॉल्व दैट आपका ना, आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रही मिडिल टर्म, देन वी हैव ओनली द ऑप्शन कि कैसा भी बेवड़ा सवाल होगा एनी शॉर्ट अप रफ एंड टफ क्वेश्चन इट कैन बी ओनली सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके लिए आप बिल्कुल दिक्कत नहीं करें. तो देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इक्वल टू 0 जब आप कर देते हैं अपन आधे को देते तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है. एंड बेसिकली आपका व्हाट यू आर लुकिंग इन दिस फॉर्मेट सारे ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल देखो ये आपका क्या, दिस इज द ट्राइनोमियल. डेप्थ में जाइएगा मजा आ जाएगा आपको. स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ना देखो दिस स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ऑलवेज आपका पॉजिटिव, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है. लेकिन क्वेश्चन आपके ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी भी हो सकता है, ये आपका माइनस ये प्लस भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन. अब इसमें जब मेजर थिंग है आपका ना दो ए इज इक्वल टू दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल आपका देखो ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज इक्वल आपका ना देखो दिस इज नोन एज द कॉन्स्टेंट टर्म. अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू टेल यू द डेरिवेशन दैट इज आपका देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. यानी कि x हैज टू इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, बल्कि इक्वल मत करिएगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग TINC थिंक्ड रूट्स. ये आपका एक्चुअल में वन इज अल्फा अनदर इज बीटा, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है. एंड दिस फॉर्मूला इज मेड बाय टू ग्रेट मैथमेटिशियंस, अ ग्रेट सैल्यूट टू देम. माइनस जो आपका बी स्क्वायर आपका देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज मेड बाय श्रीधराचार्य सर. एंड माइनस बी बाय टू ए इट इज मेड बाय उमर खयाम सर. सर ही लिख रहा हूं, सर ही लिखना चाहिए मुझे. तो टू मैथमेटिशियन हैज गिवन नाउ द फॉर्मूला टू सॉल्व द इक्वेशंस या द फॉर्मेट विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दो मैथमेटिशियन दे दिया और आज हमने कितनी रेड़ मार दी उनकी, ये तो आप भी जानते, बोर्ड भी जानता, आपके पेरेंट्स भी जानते. देखिए ये फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है, हाउ विल आई ड्राइव इट, यही आपका जो है मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर भी होगा आगे जाकर, या मेकिंग या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर. सारे जो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के सवाल हैं वो भी बाय दिस सेम मेथड्स यू हैव टू डन, आपको करने हैं इसी मेथड से. इज इट क्लियर? फाइन. तो ना स्टैंडर्ड फॉर्म आपका आ गया, देखिए आपका ना दिस. तो देखो अब आपका सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वेर
a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x, c is equal to आपका देखो zero. Is that हो गया? अब आप क्या करेंगे देखो? ये dividing both sides by आप क्या करेंगे? इसको divide कर देंगे किससे? आपका देखो ना a से, यानी कि coefficient of x square से आप इसको divide कर देंगे. ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो. एक एक स्टेप की क्लियरिटी आपको बताऊंगा. देखिए आपका नाम ए से ए कैंसिल, देखो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस नाउ दिस इज बी ए बाई ए और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो. आप इसको इधर भी ले आ सकते हैं शुरुआत में. यू कैन राइट इट ऑल्सो माइनस सी बाई ए. क्लियर? अब आपने क्या करना देखो नेक्स्ट स्टेप में, जब यहां पहुंच जाएंगे आप, व्हेन यू रीच हियर, तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाय हाफ विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और जो अब बचा एक्स का कोफिशिएंट उसके साथ आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से. ये देखिए सिर्फ ओनली विद दिस. अब देखिए x का नाउ एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. सॉरी देखो अब ये नाउ व्हाट यू आर गेटिंग 1/2 यानी कि b बाई टू ए यू आर गेटिंग बी वन जा बी नाउ टू ए का स्क्वायर से आप इसको एड भी कर दीजिएगा एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिएगा. To make a perfect square बनाने के लिए और आप जाकर के फिर अपने स्कूल में भी देखिएगा कैसे पढ़ाया है. ये भी देखिए this x square is already, ये देखिए half into b over a x, ये मेरे पास पहले से. What I am doing the new thing b by 2a का whole square मैंने add कर दी. ये देखिए as much as I am adding the same amount I am going to be subtracted n plus c by a. ये आपने subtract कर making a perfect square आपका हमेशा plus के formula में, यानी कि a square plus 2ab plus b square में ही use होता है. keep in mind that होता minus में भी है, ऐसा नहीं कि minus में. अगर ये minus, अगर यहाँ पे minus होता तो minus का ही formula लगता है, लेकिन obviously आप समझ रहे हैं. आप देखो जरा देखिएगा ये देखो इसमें चेक कर लीजिएगा. आपका देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव स्पेशल प्रोडक्ट फॉर्मूला ए का स्क्वायर, देखो फर्स्ट यू राइट बी का स्क्वायर देन आपका टू इंटू ए इंटू बी. ये देखिए इसे करो नाउ यू हैव टू कॉम्पैक्ट इट, जिप कर देंगे ये आपका. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. अभी आपका देखो पावर फॉर्म में, इंडाइसिस फॉर्म में आपका आ गया, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया. दिस इज द पावर फॉर्म. नाउ अब देखो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, देखो एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर देखिए नाउ प्लस ये बी का स्क्वायर हो गया. देखिए नाउ देखो प्लस प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा. इसी के अंदर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है मैक्सिमम नाइन्थ क्लास में मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए. तो देखो ये प्लस टू फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ ए देखो आपका यहां वे ए इज इक्वल आपका देखो एक्स और बी इज इक्वल आपका देखो बी बाई टू ए है तो देखो इंटू ये आपका देखो दिस बी बाई टू ए. देखो टू से टू अगर आप कैंसिल कर देंगे पहुंच गए यहां पे आप देखो ये देखो बी बाई ए आ गया, बी बाई बी एक्स ओवर ए आ गया. इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया, वी आर 100% करेक्ट. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया. नाउ इसको आपका देखो ओटी में ले जाइए बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर और माइनस सी अपॉन ए, ये आपका ऑन ट्रांसपोजिंग हो गया. व्हेन दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर गोइंग या आर ट्रांसपोजिंग ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम लेफ्ट, सो द माइनस विल बी चेंज इनटू द प्लस एंड प्लस विल बी चेंज इनटू द माइनस. गॉट इट? नाउ इसको जिप कर दीजिए ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया. इस बार बी का स्क्वायर बी 2 to the 4, a is a square, or minus c upon a.
this square is the complement of numerator and denominator. Is that clear? Now, OT में चला गया. Okay. Now x plus b over 2a. देख रहे? इसका if I am going to remove the square from one hand, the another hand will come automatically plus minus. Then आपका देखो ये this b square minus 4a square minus c upon a. Square हटा, दूसरा square root के अंदर आ जाएगा. ये this is called the radical sign. Third पढ़ते हैं आप. This is the third. Third, s u r d, third. Third का मतलब क्या होता है? कि जिनको जब आप find out करते हैं, जिनको roots को, and that value is not coming easily. They are coming in a form of decimal. Decimal may be either the repeatable and non-repeatable, आपका recurring, recurring, whatever is there. लेकिन आपका वो आपका third होता है. Third के अंदर भी दो चीज़ आएंगी. Mixed third, pure third. अगर ninth में किसी ने पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा तो इसीलिए मैंने बोला. ये देखिए प्लस माइनस ये रूट के अंदर अब आप एलसीएम ले लीजिए. फोर ए ए में से हाईएस्ट पावर आपकी आ गई. एक ए एक एक इधर फोर ए से फोर ए स्क्वायर देखो आपका ना वन टाइम कैंसिल आपका बी स्क्वायर आपके पास बचा. वन ए इज कैंसिल फ्रॉम दिस वन ए आपके पास फोर ए बचा. फोर ए सी जा फोर ए सी कुछ नहीं है ये तो आपका लाइन है. दिस इज द लाइन ये एलसीएम एलसीएम दिस कॉमन मल्टीपल व्हाट इट तो ना एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू आपका ये प्लस माइनस ये सर्ड है. ये देखो ये सर्ड है और ये रूट के अंदर देखो रूट के अंदर फोर ए स्क्वायर है. व्हाट आई कैन राइट इट टू इंटू टू इंटू ए इंटू ए ये सिंपल है सिंपल सिंपल आपका टू ए तो देखो टू ए तो देखिएगा द फॉर्मूला एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्लियर है अभी तक? क्लियर. अब देखो इसको इधर ले जाएंगे आप जरा चेक करिए. देखो इसको इधर ले गए मैंने इसका ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने अब आप इसको यहां से देखो जब x से जोड़ आपका देखो ये भी OT में जाएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया आपका. देखो अब ये प्लस माइनस देगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर देगा आपका ओवर टू. फिर दोनों का LCM ले लीजिएगा आपका दोनों का LCM. इज इट क्लियर? तो ना दे सेम जब सेम यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह जाते हैं. यहाँ सेम डिनोमिनेटर है आपका देखो बोथ आर द सेम डिनोमिनेटर्स तो जब सेम डिनोमिनेटर्स है तो आपका सेम न्यूमरेटर आएगा. 2a वन जा 1b जा माइनस प्लस माइनस 2a वन जा तो आपका देखो दिस इज कॉल्ड द श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड. ये रूट है तो सही ये तो रहेगा इसी में इतना पोर्शन रहेगा माइनस बी प्लस माइनस ये रूट रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज योर डिस्क्रिमिनेंट. हाँ दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी. कैपिटल डी कहते हैं इसकी जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कैपिटल डी ओवर टू ए. द वैल्यू ऑफ डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड इट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट. यहां पे इसकी तीन चीजें हैं. अगर देखो कंडीशन नंबर वन इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहां से मिलेगा आपको व्हेन यू हैव एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर आपके पास ये रहती है तो अगर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं आपका. देखो ना इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट b स्क्वायर ये कंडीशंस है तो देखो तभी सवाल आगे होगा. नॉर्मल जब फॉर्मूला यूज करके आप करेंगे एक सवाल को आप फैक्टर मेथड से कर सकते हैं. द सेकेंड मेथड इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. The third method is by using this formula directly, and the fourth method is
by using this, making a perfect square wala, completing the perfect square set, jo aapne formula derive kiya. So how much your knowledge must be sound to solve the questions, you can just take an imagination on aapka this formula here. The devil. अब अगर d कैलकुलेट करने के बाद जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ओवर वट एवर द प्लस वैल्यूज आर कमिंग, तो यहां पे आप लिखेंगे हाफ इट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि एक आपकी अल्फा की वैल्यू होगी, बीटा, दो रूट्स होते हैं, अल्फा आपका प्लस और वे बीटा माइनस होते. अगर d की वैल्यू कैलकुलेट करने के मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको आया, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व द इक्वेशन, प्लीज सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय ओनली क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप सीधा सीधा इनकी वैल्यू को मैं बताऊंगा यहां आपको, ए तो आपका यहां पे a इज इक्वल टू आपका कितना है 1, b इज इक्वल टू आपका देखो माइनस 5 है और c इज इक्वल टू आपका 7. द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंस, व्हाट साइन इट इज कीपिंग, प्लस रख रहा है माइनस, ये आपको देखना है. तो आप वैल्यू रखिए और ये आपका कैलकुलेटर का प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25 आ गया. उस समय आप इसको लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे यूजिंग या अप्लाइंग अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड. श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड का मतलब x माइनस बी प्लस माइनस डी ओवर 2a रख दें या ये फॉर्मूला लिख दें या माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. श्रीधराचार्य सरिये हैं और उमर खयाम सरिये. कंडीशन नंबर टू, अगर इफ बाय कैलकुलेटिंग दिस डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जीरो आ रही है वैल्यू. अच्छा, ऐसे टू डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, हां मतलब पॉजिटिव वाली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भाई. अच्छा, या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव भी आती है. अगर डी इज इक्वल टू जीरो आप यहां पे लिखेंगे हाफ इट्स टू रियल एंड रिपीटेड रूट्स. रियल क्या होता है, रियल रूट्स क्या होता है, अरे बाप रे बाप, आज पढ़ के आइएगा फिर कल बताऊंगा. जो अनरियल है वो रियल है, जिसको होना ही होना है. प्लस टू भी हो सकता है, माइनस टू भी, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हो, टू बाई थ्री भी हो सकता है. रियल नंबर मे बी द रैशनल नंबर्स ऑल्सो, समझ रहे ना. रिपीटेड रूट्स फिर भी पढ़ के आइएगा, नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा. देखो इसका मतलब x has two values, both will be same. Repeated का मतलब देखो, अगर ये भी plus 2 होगा तो ये भी plus 2 होगा, ये minus 2 होगा तो minus 2 होगा, ये 2 by 3 होगा तो ये भी 2 by 3 होगा. ये हुआ आपका रैशनल नंबर्स. अगर आपका देखो by the way कभी कभी क्वेश्चन आप कर रहे हैं एंड d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन स्मॉलर, उस समय आप लिखेंगे हाँ No real rules. और सवाल आपका टेंथ में यही खत्म हो जाएगा. Your question is pack up. Finish. माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अगर d की वैल्यू आती है आपके कोर्स में नहीं है, फिर ये इलेवेंथ में जाकर के आपके कोर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे माइनस वन की वैल्यू वहां आयोटा से सॉल्व किया जाता है इसको, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर तब वहां जाके, ये आपके इलेवंथ के कोर्स में, बारह ये दो आपके पास है. अब जैसे ये क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. पहले तो आप जरा इसको पूरा देखो, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करो तो सिर्फ आप यहां से आगे करेंगे. अगर वो आता है कि प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, तो बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आपकी वैल्यू यहां आ जाएगी. दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, this is quadratic formula. Quadratic formula who have made it? Sridharacharya Umar Khayyam sir. Clear? So, आप कैसा लग रहा है आपको? How you are feeling?